प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। इस दौरान कोटद्वार से जयपुर तक ट्रेन संचालित करने की मांग की गई। साथ ही पौड़ी मंडल के पदाधिकारियों ने जम्मू और कलकत्ता के लिए ट्रेन संचालन की मांग की है। कोटद्वार के विकास को लेकर भी बलूनी से चर्चा की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही कोटद्वार से दिल्ली जयपुर की नई ट्रेन को स्वीकृत कराने का वो काम करेंगे। तो अनिल बलूनी से जिला व्यापार मंडल ने मुलाकात की है। कोटद्वार से जयपुर तक ट्रेन संचालन की मांग अनिल बलूनी से व्यापार मंडल ने की है। इस पर बलूनी ने उनको आश्वस्त भी किया है कि वो हर संभव मदद करेंगे, हर संभव मदद का भरोसा दिया है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने। अजीत राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अजीता, व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कोटद्वार से जयपुर तक ट्रेन संचालन की और इसको लेकर आश्वस्त भी किया है अनिल बलूनी ने। जी देखिए, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी ट्रेनें बंद हो गई थी या रूट बदल गए थे, तो पहले भी कोटद्वार तक एक ट्रेन चलवाने की जो एक योजना बनी थी, तो अनिल बलूनी ने पहले भी एक शताब्दी एक्सप्रेस की बातचीत की थी और एक ट्रेन कोटद्वार से चलवाई ली थी। लेकिन बीच में कोरोना काल में चूंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं छिन भिन हो गई, तो इसीलिए फिर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में अनिल बलूनी से उनके आवास पर मिला और उन्होंने इस बात की गुजारिश की है और एक मेमोरेंडम भी दिया है कि कोटद्वार से जयपुर तक एक ट्रेन चलनी चाहिए, ताकि जिससे हमारे इसके पौड़ी का जो इधर वाला क्षेत्र है, जो बिजनौर और तराई से लगा हुआ क्षेत्र है पूरा, कि यहाँ पर उद्योग जगत को बढ़ावा मिले और जो आवागमन की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, क्योंकि निवेशक तभी आएंगे यहाँ पर जब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम सुचारू होंगे। तो अनिल बलूनी ने इस पर उनको आश्वासन दिया है और इस बात का भी आश्वासन दिया है वो केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत करेंगे और इस मांग को बहुत जल्द पूरा करने का एक प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो बलूनी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहुत धन्यवाद अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर खटीमा से आपको बता दें, जहां पैतृक घर में